राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद वही काम हो रहे हैं जिनके वादे जनता से चुनाव से पहले किए गए थे। और छात्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान की सरकार जो अभी नव नियुक्त मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके आने के बाद राजस्थान में जिस तरीके का वादा जनता के साथ किया था कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई, अब पेपर लीक जो करने वाले हैं उनकी खैर नहीं है। और हो भी वही रहा है, राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले को लेकर कड़ी चेतावनी दे चुके हैं कि राजस्थान में पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है और जो पेपर लीक करने के बारे में सोचेंगे अब उनकी खैर नहीं है। पेपर लीक राजस्थान में जो पहली परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की गई, उस परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई और इसको लेकर भाजपा सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब राजस्थान के अंदर पेपर लीक नहीं होगा। इसके लिए SIT भी गठित की और SIT और SOG ने कल 2013 कनिष्ठ लेखाकार भर्ती का जो आरोपी फरार चल रहा था, वांटेड आरोपी बनवारी लाल विश्नोई, उसको फलोदी से गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ बनवारी लाल विश्नोई नहीं, 2020 हो या 2022 हो, किसी भी भर्ती परीक्षा को आप देख लीजिए, जो भी आरोपी हैं उनको लगातार जो SIT और जो SOG है वो उनके पीछे पड़ चुकी है और एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम SIT और SOG कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का वादा जनता के साथ भजनलाल सरकार ने किया था, भाजपा सरकार ने किया था, वो वादे पे भाजपा सरकार खरी उतरती हुई नजर आ रही है। और जो बच्चे गाँव से शहरों में आकर हजारों रुपए अपने परिवार से, वो गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो अब उनके सपने संभावित तौर पर साकार होते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब राजस्थान में पेपर लीक जो है वो पूरी तरह बंद हो सकता है और इसका मैसेज 7 जनवरी को जो आयोजित हुई थी परीक्षा राजस्थान के अंदर, उस परीक्षा के दौरान राजस्थान की भाजपा सरकार ने यह बता दिया है कि अब राजस्थान के अंदर किसी भी सूरत में पेपर लीक जो है वो नहीं होगा और अगर कोई पेपर लीक करने के बारे में सोचेगा भी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिन लोगों ने पहले पेपर लीक किया था, जिन लोगों का हाथ पेपर लीक मामले में था, वो वांटेड आरोपियों को भाजपा सरकार और SOG SIT भाजपा सरकार के निर्देश पर ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और इसी चरण में 2020 2021 2022 किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर मामले में पेपर लीक मामले में जिसने भी इस मामले में जो इन्वॉल्व था उसको ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। और कल SOG और SIT ने जो है वो फलोदी के अंदर से बनवारी लाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है, जिसने 2013 के कनिष्ठ लेखाकार भर्ती का मास्टरमाइंड था, जिसने ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा से पहले पूरे पेपर को ले लिया था और काफी समय से पुलिस को इस वांटेड अपराधी की जो है वो तलाश थी। अब ये तलाश पूरी हो चुकी है और राजस्थान के जो है वो युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब भजनलाल सरकार पेपर लीक को लेकर बहुत कड़े कदम SIT गठित करके उठाए हैं और लगातार उन आरोपियों को दबोच रही है जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कह सकते हैं कि अब राजस्थान में पेपर लीक शायद नहीं देखने को मिलेगा और जो युवा मेहनत कर रहे हैं शायद अब उनके सपने जरूर साकार होंगे। अब दिल नहीं टूटेगा एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि भजनलाल सरकार ने और भाजपा सरकार ने साफ निर्देश दे दिए और उसी के मुताबिक जो है वो भाजपा सरकार काम भी कर रही है। महेंद्र बांसोटा, TV9 जयपुर।